हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन इस प्रकार है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11.8.5.2... तो हमें इसमें निकालना है, चेक करना है कि -150 इस एपी का टर्म है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम एपी को ही लिख लेंगे सॉल्यूशन में। सो एपी कितनी है, 11.8.5.2 और ... तो इसमें इससे हमें ये दिख रहा है कि ए कितना है हमारा, ए यानी फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म हमारा है 11 और कॉमन डिफरेंस यानी डी, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए टू माइनस ए वन। सो दैट इज 8 - 11 यानी डी इज इक्वल टू आ गया -3। ठीक है, तो ये आ गया इज इक्वल टू -3। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हम यहां पे मान लेते हैं कि लेट -150 बी द nth term of this AP, इस AP का nth term है, ये हमने मान लिया, assume कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि an is equal to कितना होना चाहिए friends, -150 होना चाहिए। तो an -150 है तो इसमें an का formula लग जाएगा। an is equal to क्या होता है, a plus n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय डी, ये ए एन का फॉर्मूला है, यहां पर रख दिया इज इक्वल टू -150। करेक्ट, अब इसकी वैल्यू रख दी है, ए की वैल्यू कितनी है 11, तो यहां पे हम रख देंगे 11 प्लस एन माइनस वन और मल्टीप्लाइड बाय डी, डी कितना है हमारा -3 है तो यहां पे -3 लिख देंगे, इज इक्वल टू -150। करेक्ट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 को हम इस साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख देते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन इज इक्वल टू -150 और ये प्लस का है तो यहां पे जाके माइनस का हो जाएगा। करेक्ट, अब इसका और आगे सॉल्यूशन करेंगे तो -3 विद इन ब्रैकेट एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे 161। ठीक है, अब ये 161 हो गया, अब इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें सबसे पहले तो। ठीक है, तो 3n, 3 का n से मल्टीप्लाई किया 3n और प्लस माइनस, अब ये प्लस का हो गया तो -3 इज इक्वल टू 161, तो क्या हो जाएगा 3n इज इक्वल टू -3 को यहां ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 161 और प्लस 3, तो 3n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3n इज इक्वल टू हो गया 164। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। सो n इज इक्वल टू 164 और ये 3n यानी मल्टीप्लाई में है, 3 मल्टीप्लाइड बाय n तो यहां पे आगे डिवाइड में हो जाएगा यानी अपॉन 3। अब देखिए 3 से क्या डिवाइड हो रहा है, देखिए 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11, यानी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि अगर हम इन डिजिट्स का सम करें और वो सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बट n should be पॉजिटिव इंटीजर, क्या होना चाहिए इसको, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सो n should be पॉजिटिव इंटीजर, सो अब यहां लिखेंगे सो -150 इज नॉट a term of this AP। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स, इसमें
एन अगर एन फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लाइक 1, 2, 3, 4, 112 कुछ भी हो सकता है, बट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और जो है ये इस तरह से नहीं आ सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर एन पॉजिटिव इंटीजर के रूप में नहीं आता है, इसका मतलब आपकी या तो कोई मिस्टेक हो गई होगी सवाल में, हालांकि इसमें तो पूछी था ये बात कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म, तो हम कह सकते हैं इसके आधार पे कि -150 इसका टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।